Dear student, today our topic is types of hybridization. Types of hybridization के अंतर्गत हमने previous video में हमने discuss किया था sp hybridization, sp2, sp3 hybridization. अब आज हम और आगे के hybridization की बात करेंगे. तो जो है वो next type, जो उसका next second part है इसका hybridization का, types of hybridization का, तो ये है dsp2. अब DSP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है? जैसे कि अपन इसके नाम से देखें, इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन में एक डी ऑर्बिटल, एक एस ऑर्बिटल और एक दो पी ऑर्बिटल, कुल टोटल कितने ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन में? चार हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो भाग ले रहे हैं. तो इसलिए इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन को हम कह रहे हैं DSP2 हाइब्रिडाइजेशन. जो इस प्रकार का जो हाइब्रिडाइजेशन, इनके जो ज्यामिति होती है, जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी स्क्वायर प्लेनर होती है. इनमें बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होता है और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ऐसे यौगिक या ऐसे कंपाउंड जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाए जाते हैं उनमें ये बॉन्ड बनाने में प्रयोग किया जाता है. इसलिए इस प्रकार के जो हाइब्रिडाइजेशन में सेंट्रल एटम के परमाणु में क्या होता है, रिक्त जो ऑर्बिटल भाग लेते हैं और इस प्रकार का जो संकरण है, ये जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किसके किस में काम में आ रहा है, उप कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या कॉम्प्लेक्सेस यौगिक में पाया जाता है. तो DSP2, ठीक है. तो DSP2 जो है हाइब्रिडाइजेशन, इसका वेरी कॉमन एग्जाम्पल है निकल एंड टेट्रा साइनो निकल 2 आयन या प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड. अब प्लेटिनम टेट्रा क्लोराइड या निकल टेट्रा साइनो में हम ये देखें तो निकल का जो अपन एग्जांपल ले रहे हैं इसको अपन अभी डिस्कस करेंगे. तो इस डायग्रामेटिकली हम ये बोल रहे हैं कि डी ऑर्बिटल 5 प्रकार के होते हैं. इनमें से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला जो ऑर्बिटल है वो इस प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन भाग ले रहा है. एक डी ऑर्बिटल हो गया, एक एस ऑर्बिटल हो गया, दो पी ऑर्बिटल, पी एक्स पी वाई जो हैं वो भाग ले रहे हैं और मिला के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बन रहेंगे, चार DSP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं. अब यहाँ हम इस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं ये निकल का टेट्रा साइनिक निकल की हम बात कर रहे हैं. तो निकल का जो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, निकल इस एटॉमिक नंबर इज 28, तो 3d8 4s2. तो ग्राउंड स्टेट में जो निकल जो है वो 3d8 4s2 है. अब एक्साइटेड स्टेट में जो है जो इसके 4s2 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, Ni2 प्लस में इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और 3d8 वाले में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा. तो एक d ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी और टोटल जो है d s और दो p ऑर्बिटल ये आपस में संकरित होकर क्या बनेंगे, DSP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. अब इसमें जो है चार साइनाइड आयन जो वेकेंट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में हैं, चार साइनाइड आयन जो हैं वो क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं. चार साइनाइड आयन क्या बना रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड निकल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहेंगे और इनकी जो स्ट्रक्चर कैसी है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है. स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इसको अपन इस डायग्राम से देखें तो इनकी स्ट्रक्चर कहती है सिंपल स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है. अब नेक्स्ट जो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है sp3d. तो sp3d में हम ये देखें तो एक s ऑर्बिटल, एक d ऑर्बिटल और तीन p जो ऑर्बिटल हैं वो मिक्स होकर जो भाग ले रहे हैं तो वो आपका क्या बना रहे हैं, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं. अब हम इसको जो है sp3 या dsp3 या sp2 या dsp2 भी बोल सकते हैं. तो इसका मतलब ये है कि जब हाइब्रिडाइजेशन में nd कक्षक का उपयोग होता है, जब हाइब्रिडाइजेशन में nd कक्षकों का उपयोग होता है या हाइब्रिड ऑर्बिटल का उपयोग होता है तो d ऑर्बिटल हम बाद में लिखेंगे. डी ऑर्बिटल का नाम हम बाद में लिखेंगे, जैसे sp3d, sp3d2, sp3d3. लेकिन जब संकरण में भाग लेने वाला जो होता है ना ऑर्बिटल होता है वो n-1d ऑर्बिटल हो तो d ऑर्बिटल हम जो पहले उसको पहले d को हम पहले लिखते हैं, जैसे dsp2, d2sp3, d2sp2, d2sp3 एक्सेट्रा. तो वॉट इज़ dsp2 या dsp3 और sp3d, इसका क्या मतलब है तो ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है.
अब जो sp3d में हम जैसे कि अंग्रेज में पाँच जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, पाँच जो हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। पाँच हाइब्रिड ऑर्बिटल में से इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या त्रिकोणीय द्वि पिरामिडल। अब त्रिकोणीय द्वि पिरामिडल जो स्ट्रक्चर होती है, हम ये बोलें इसमें डी ऑर्बिटल है तो इसके में भी क्या होती है कि दो प्रकार की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो इसकी स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल हो जाए या इनकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हो जाए। तो जब एक डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी ऑर्बिटल का और एक एस व तीन पी ऑर्बिटल संक्रमण में भाग लेंगे तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी? स्क्वायर बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी। ठीक है, इसका कॉमन एग्जांपल है जो है साइनाइड है, पेंटा साइनो निकल थ्री आयन। और जब जो है एक एस तीन पी ऑर्बिटल और एक डी जेड स्क्वायर वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है भाग लेंगे हाइब्रिडाइजेशन में तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर बनेगी। और इनकी जो है वो क्या बनेगी? तीन ऑर्बिटल तो एक ही लेवल में होते होंगे, तीन जो ऑर्बिटल ये क्या होंगे एक ही लेवल में होंगे और 120 डिग्री के कोण पर स्थित होते हैं, और दो ऑर्बिटल जो होते हैं 90 डिग्री के इस पे स्थित होते हैं इनका जो है दो। इस प्रकार जो है जो ट्राइगोनल त्रिभुज के तीन कक्षकों को जो ट्राइगोनल जो बात कर रहे हैं उनके तीन कक्षकों में जो तीन कक्षक होते हैं उनमें उनको हम कह रहे हैं इक्वेटोरियल हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जो इसके लंबवत होते हैं या इसके पैरेलल होते हैं उनको हम कहते हैं एक्सियल हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसका जो एग्जांपल है वो है आपका PCl5। sp3d हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल है, वेरी कॉमन एग्जांपल इज PCl5। अब फास्फोरस का जो पेंटाक्लोराइड है इसमें हम देखें तो फास्फोरस की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3 3s2 एंड 3p3। अब इसमें क्या होगा, s ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में कहाँ चले जाएंगे? d ऑर्बिटल में चले जाएंगे। और पांच हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल जो है वो होंगे, और ये ओवरलैप करके क्या बना रहे हैं? फॉस्फोरस का पेंटाक्लोराइड बना रहे हैं जिसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है ये हम इस देखें तो इसकी ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर हो रही है। इसमें तीन जो क्लोराइड आयन हैं त्रिभुज के कॉर्नर पर स्थित हैं और दो क्लोराइड आयन जो हैं वो एक जो लंबवत हैं उसके, तो इनकी जो स्ट्रक्चर है जो कॉर्नर पर स्थित है उनके 120 डिग्री के एंगल है और जो ऊपर जो लंबवत हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो 90 डिग्री के एंगल पर स्थित है। तो इस प्रकार जो PCl5 में इसमें भी क्या है, कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है और सिंपल ये क्या हो रहा है sp3d हाइब्रिडाइजेशन इसमें बन रहा है, हो रहा है। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है हम SF4 की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ SF4। तो SF4 में हम देखें तो सल्फर का टेट्राफ्लोराइड। तो सल्फ़र की जो टेट्राफ्लोराइड है इसमें अपन देखें तो इसमें क्या स्ट्रक्चर हो रही है कि सल्फ़र में जो है सल्फ़र टेट्राफ्लोराइड में सल्फ़र सेंट्रल एटम है, सल्फ़र क्या है सेंट्रल एटम है, और जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ये 16 हो गया ना, फॉस्फोरस इज 15, तो अब यहाँ 3p4। अब इसमें क्या होगा जो चार फ्लोराइड परमाणु के साथ ये क्या बना रहा है सल्फर जो है वो SF4 बना रहा है, सिंगल कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जुड़ा हुआ है। और ये जो है इसको जो अपन इनकी जो इस डायग्राम से हम देखें तो सल्फर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्राउंड स्टेट में अपन बता रहे हैं इस ब्लॉक का डायग्राम से, और एक्साइटेड स्टेट में तो ये sp3d संकरण इसमें हो रहा है और चार फ्लोराइड आयन इसमें जो है वो आपके क्या हो रहा है सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं इनकी स्ट्रक्चर भी कैसी हो रही है, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल। अब इसमें हम देखें तो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्म के मध्य प्रतिकर्षण बल को न्यूनतम मिनिमम रखने के लिए तो SF4 में इसमें जो अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया वो किस पोजीशन पे जाएगा, वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाएगा भूमध्य स्थिति में। इस स्थिति में क्या होगा बॉन्डिंग और नॉन जो बॉन्डिंग है उनमें फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा, प्रतिकर्षण क्या होगा कम होगा, जिससे उनकी ये जो
स्ट्रक्चर है इसका क्या होगा, स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। तो इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन सी स्थिति में, इक्वेटोरियल पोजीशन में स्थित है। तो इस प्रकार जो है SF4 में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कौन सा पाया जा रहा है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, पर इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसी प्रकार से हम आगे भी कई सारे एग्जाम्पल अपन इसको डिस्कस करेंगे जो अदर वीडियो में अपन इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।